वेलकम टू गरुड़ा मॉल। आप सभी लोगों का जर्नी ब्लॉग विशालू में बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ आए हो? इधर तो देख लो। कहाँ? मॉल? कौन सा मॉल? किस मॉल में आए हो? इधर देखिए। गरुड़ा मॉल बेंगलोर के टॉप मॉल में से एक है और ये है इसका फ्रंट का व्यू, जो छोटे छोटे अम्ब्रेला छाता से इसे डेकोरेट किया गया है। और सामने दिखा ये टॉय ट्रेन, तो यश को कंट्रोल तो होता नहीं है, जाके बैठ गए। यश कैसे लग रहा है? इसी बैठना है? अगर आपको ये व्यू जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गरुड़ा मॉल में 15 अगस्त को ये डेकोरेशन सिर्फ बाहर के लिए था और इसे चारों तरफ इसी तरह डेकोरेट किया गया था। रात में ये सब देख सकते हैं आप, लाइटिंग की भी व्यवस्था है जो कि काफी सुंदर लगने वाला है। जब बाहर का व्यू हो इतना खूबसूरत तो सोचिए अंदर का व्यू कितना खूबसूरत होगा। तो आइए चलते हैं फटाफट से इस मॉल के अंदर। और यहाँ पे खत्म होता है यश का ट्रेन जर्नी। अभी भी इनका उतरने का मन नहीं है, कह रहे हैं सभी लोग बैठिए फिर एक राउंड चलेंगे। मॉल में एंट्री कीजिए तो नॉर्मल मॉल जैसा ही इसमें भी शॉप है, लेकिन इसका डेकोरेशन बहुत ही अमेजिंग है। और इस मॉल के बीचों बीच बनाया गया है कुछ नेचुरल टाइप का, देखिए आप इस तरह से काफी अमेजिंग तरीके से इसको बनाया गया है। और आगे आप देख सकते हैं ये जो गोल्डन कलर की आपको ब्यूटीफुल डिजाइन दिख रहा है, ये है बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा एस्केलेटर जिसके थ्रू आप इसके हर एक फ्लोर पे जा सकते हैं। और सच में आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब आप फटाफट से फर्स्ट फ्लोर का व्यू देखिए, उसके बाद चलते हैं हम सेकेंड फ्लोर पे। और अब हम चलते हैं सेकेंड फ्लोर पे उसी ब्यूटीफुल एस्केलेटर से। और यहाँ से आप जैसे जैसे आप टॉप पे जाएंगे आप नीचे देखेंगे इस मॉल के बहुत ही खूबसूरत नजारा लगेगा। तो आप देखिए अब चलते हैं हम थर्ड फ्लोर पे जहाँ पे है फूड कोर्ट। और इस फ्लोर पे एंट्री के टाइम ही आपको दिखेगा गो पिज्जा। तो यस उसके आगे तो जा ही नहीं रहे थे क्योंकि उन्हें खाना था पिज्जा, क्योंकि ये है बहुत बड़े पिज्जा लवर। पिज्जा खाने के बाद आगे आप इनका रिएक्शन भी देख सकते हैं। चलो चलो यस। पिज्जा खाने के बाद अब चलते हैं हम किड्स जोन की तरफ। ये है इस मॉल का लास्ट फ्लोर जहाँ पे है सब चीज खेलने कूदने की, हर एक चीजें हैं यहाँ पे। आप बड़े भी खेल सकते हैं और छोटे बच्चे भी खेल सकते हैं। और इस फ्लोर पे आने के बाद हम आपको बता दें अच्छे से टाइम लेके इस मॉल में आइएगा, क्योंकि इस फ्लोर पे टाइम कैसे बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। इस फ्लोर पे आने के बाद मेरी एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं,
कब मोबाइल हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो गया हमें खुद पता ही नहीं चला। गेम जोन में जब आप एंट्री करेंगे तभी आपको ये लकड़ी की सीढ़ी मिलेगी जिससे आप बिल्कुल टॉप पे जा सकते हैं और वहाँ का व्यू बहुत ही अमेजिंग था। तो आप देखिए, वहाँ से आप सभी गेम को देख भी सकते हैं और टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। यश ने गेम को काफी एंजॉय किया और अब थक कर बोल रहे हैं कि अब चलिए घर। तो आइए चलते हैं घर की तरफ। और यहाँ से एंट्री का गेट आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, ये पूरा मिरर है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ का व्यू कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और यहाँ से नीचे तक का नज़ारा आप देखिए इस मॉल का, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो हम निकल चुके हैं बाहर की तरफ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे हमारे अच्छे अच्छे ब्लॉग सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।